बापू हम शर्मिंदा हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे थे। ये साध्वी प्रज्ञा के उस बयान का विरोध कर रहे थे जो उन्होंने गोडसे पर संसद में दिया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी दफ्तर पहुंचने से पहले ही बीजेपी ऑफिस के सामने विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता लाठी डंडों के साथ मौजूद थी। बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद रामेश्वर शर्मा ने दफ्तर का घेराव करने आ रहे कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं को सिमी का मेंबर बताया। आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे की कार्यकर्ता यहां पर खड़े हैं। हमको पता पड़ा है कि कुछ सिमी के लोग, कुछ आतंकवादी, कुछ गुंडे मवाली हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला बोलने वाले हैं, कार्यालय पर वो बम फेंकने वाले हैं, कार्यालय पर पथराव करने वाले हैं। इसलिए महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने तय किया। बम आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे हमको हमको अपना विरोध जताने आ रहे हैं। अरे भैया ये कार्यालय कोई मुख्यमंत्री कार्यालय भवन है क्या? तो हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आ रहे हो। विरोध प्रदर्शन करना है तो जाओ कमलनाथ जी की दुकान पर करो। विरोध प्रदर्शन करना है तो कलेक्टर कार्यालय जाकर करो। विरोध प्रदर्शन करना है तो डीजीपी क्या करो, सीएस क्या करो, भाजपा कार्यालय में आकर क्या करना है? क्योंकि आप ही की पार्टी के सांसद के खिलाफ है। भाई हमारे सांसद के खिलाफ नहीं है, वो हमारे कार्यालय पर हमला करने की तैयारी है। और आरिफ मसूद का चरित्र लोग सब जानते हैं कि वो सिमी के समर्थक है, और वो राम जन्मभूमि आंदोलन में भी हमने हाल ही में देखा कि वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को भड़काकर हिंदुओं के खिलाफ फिर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भोपाल में सांप्रदायिक तनाव हो जिससे उनकी रोटियां सिकती रहें। हम कमलनाथ जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो भोपाल की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना था कि उनका प्रदर्शन शांति पूर्वक रहेगा क्योंकि वो महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। तरीके से चलाया मेरा हर आंदोलन गांधीवादी तरीके से था, आज का भी वही है। वो लाठियों से स्वागत करना चाहते हैं, ये उनका अपनापन है। हम तो उनके दरवाजे पे मांग करने आ रहे हैं, अब ये उनकी संस्कृति है, उनको अपना परिचय देना चाहिए। उनका कहना है कि सिमी के कार्यकर्ता हैं, ये सिमी के लोग हैं जो बम फेंकने आ रहे हैं। ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनके कहने से कुछ नहीं चलता, इनको साबित करना पड़ेगा। हालांकि किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी और पुलिस ने आरिफ मसूद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर पहुंचने से पहले ही रोक लिया। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी की वजह से कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन अगर आरिफ मसूद और कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंच जाते हैं तो फिर बड़ी घटना हो सकती थी। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।